हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज फिर से एक बार एक यूनिक डिज़ाइन का पर्स बनाएंगे। यहाँ पे दो पॉकेट वाला ये पर्स मैंने बनाया है, जिसमें एक मेन पॉकेट है और एक आगे हमने साइड पॉकेट रखा है, जो बहुत ही अलग डिज़ाइन के साथ हमने बनाया है। बहुत कम बार आपने इस टाइप का डिज़ाइन देखा होगा। प्रोफेशनल जो मार्केट में पर्स मिलते हैं उसमें इस तरह की डिज़ाइन देखी जाती है, लेकिन हैंडबैग में कभी हमने इस तरह की डिज़ाइन नहीं बनाई है। तो यहाँ पर इसी तरह की आज डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है। अगर आप बिगिनर है तो पहली बार में भी आप इसे बना सकेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पुरानी कुर्ती का इस्तेमाल किया है। कई बार हमारे घर में पुरानी कुर्तियाँ कपड़े ऐसे होते हैं जिसको हम 3-4 बार पहन के छोड़ देते हैं, कभी वो टाइट हो जाते हैं फिटिंग में, या फिर उसका कुछ सिलाई वगैरह निकल जाती है तो हम उसको रख देते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा ही था, इसकी फिटिंग जो है मुझे टाइट हो गई थी तो मैंने इसको छोड़ दिया। इसकी प्रिंट, इसका कलर एज इट इज़ ऐसे का ऐसा है और कलर भी काफ़ी अच्छा ब्राइट था, तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया। हम यहाँ पे फ्रंट में जो डिज़ाइन है उसका इस्तेमाल करेंगे और जो बैक का प्लेन पार्ट है उसको नेक्स्ट टाइम कभी इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये कपड़ा कट किया था, इसका नाप मैंने लिया था लेकिन शूटिंग में शायद नहीं आया था, तो मैं नाप आपको आगे बता दूंगी प्रॉपर। इसको पहले हम क्विल्टिंग वगैरह कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको नाप बता दूंगी कि मैंने क्या नाप इसका रखा था। तो यहाँ पर इस मैंने और एक कपड़ा भी लिया था और ये मैंने 8x8 का एक स्क्वायर पीस लिया था, लेकिन ये वाला पीस मैंने बाद में इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि पहले मैं इसको बाहर से पर्स लगाने वाली थी, सॉरी पॉकेट्स लगाने वाली थी बाहर से अलग से, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं अलग से लगाने की जगह मैं उसी में से कट करूँगी। तो ये जो फ़िलहाल मेरे पास क्विल्टिंग पीस है जिसमें बीच में मैंने फॉर्म शीट, अंदर नॉन ओवन का कपड़ा और बाहर हमारा मेन फैब्रिक, इन तीनों को मिलाते हुए क्विल्टिंग किया है। तो अब हमारे पास जो ये हम बीच से इसको कट करेंगे, तो ये 20x10 का है, 10 की इसकी चौड़ाई है और इसका जो लंबाई मैंने रखी थी वो 20 इंच रखी थी। तो 20x10 का ये हमारे पास क्विल्टेड पीस है और इसको बीच में से हम कट करेंगे, बराबर सेंटर में मार्किंग करेंगे और इसको कट करके दो हिस्सों में बांट देंगे। ये हमारा आगे और पीछे का दो हिस्सा बन गया। अब देखिए ये जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन से डिज़ाइन को ही हमें रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिज़ाइन एक डिज़ाइन लेफ़्ट साइड है और दूसरे की राइट साइड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे क्विल्टिंग के बाद कभी कभार जो कपड़ा है वो थोड़ा बहुत खींच जाता है, तो उसको पहले आप सीधा कर लीजिएगा। इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लिया था, यानी हमें अगर 10x20 का बनाना है तो आप 11x21 का बनाइएगा, ताकि छोटा मोटा कट करते करते प्रॉपर वो अपनी साइज़ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैंने कट कर लिया है और सीधा कर लिया है। अब एक पीस लेंगे और इसमें हमें पहले फ्रंट का पॉकेट बनाना है। तो पॉकेट के लिए मैं 6 इंच पे पहले एक मार्किंग करूँगी, उसके बाद बराबर वैसा ही नीचे से भी हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे और फिर टेप को गोलाई में घुमाते हुए हम 6-6 इंच पे मार्क करते जाएंगे। आप चाहे तो कोई भी प्लेट का प्लेट को रखते हुए भी ये मार्किंग इस तरह से कर सकते हैं। आप किसी भी प्लेट को रख दीजिएगा और फिर गोलाई में उसको ड्रॉ कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए प्रॉपर टेप से ही किया है। अब इसको कट कर लेंगे। तो हमने ये पॉकेट कट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे ज़िप लगानी है, तो ज़िप का एक हिस्सा बड़ा रहेगा, एक हिस्सा छोटा रहेगा, लेकिन काटनी हमें ज़िप कैसे है, देखिए इस तरह से हमें पहले बड़े वाले हिस्से में नापते हुए ज़िप को कट कर लेना है। यानी आपको ज़िप की जो भी लंबाई है वो बड़े हिस्से पे नाप के कट करनी है। और ऊपर के लिए भी मैंने एक ज़िप कट करके निकाल ली है। अब ऊपर वाली जो ज़िप है उसको हम बाद में लगाएंगे, तो उसको मैं साइड में रख देती हूँ और ये वाली ज़िप को हम उल्टा रखेंगे और पहले बड़े वाले हिस्से पर यहाँ पे इसको बराबर गोलाई में इसको स्टिच कर लेंगे। उसके बाद नीचे वाले हिस्से में इसको गोलाई में घुमाते हुए स्टिच करेंगे और जब आप इसको पलटी करके टॉप स्टिच करें तब अंदर छोटे छोटे कट्स लगाना ना भूलें। जैसे हम ड्रेस वगैरह में गला लगाते हैं और गोल गला हो तो हम जैसे अंदर कट्स लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी आपको कट्स लगाने हैं छोटे छोटे। उसके बाद इसको टॉप स्टिच करना है। अब यहाँ पर इसको देखिए मिलाना है कपड़े से कपड़े, क्योंकि ज़िप तो हमारी छोटी बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें कपड़े का कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाते हुए ज़िप को रखना है और रनर डाल देना है। रनर हम नीचे से ऊपर की तरफ डालेंगे, ध्यान रखिएगा रनर नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आप गलती से ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो जो पॉकेट है वो खुलते टाइम अजीब सा दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा ज़िप को मैं कट कर देती हूँ। ये छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो शायद बिगिनर्स को ना आइडिया आ सके या ना पता हो, तो वो ये गलती कर सकते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें डिटेल में बता सकूँ। तो रनर को मैं नीचे से इंसर्ट कर रही हूँ ताकि जब ये खुलेगा तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो देखिए नीचे से मैंने यहाँ पे रनर को डाल दिया है और इस तरह से रनर को इंसर्ट करना है। रनर अगर आपको इंसर्ट करना नहीं आता है, आप पहली बार कर रहे हैं, तो देखिए रनर में क्या होता है, कभी कभी रनर कुछ है वो दबे हुए आते हैं, ख़राब आते हैं, तो उसमें ज़िप अच्छे से इंसर्ट नहीं हो पाती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो आप रनर चेंज करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको लगा दिया है, फिर भी ये देखिए थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाता है, तो जितना हमारा बड़ा हुआ है उसको हम कट करके इक्वल कर लेंगे। और डोंट वरी, इससे नाप में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये ज़िप लग गई है अच्छे से। अब इसके पीछे हमें पॉकेट के लिए कपड़ा लगाना है, तो इसके लिए मैं पूरा ये पहले मैंने जो स्क्वायर पीस निकाला था ना, मैंने पहले सोचा था कि इसको अंदर इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं पूरे में ही लगा दूँगी। इससे क्या होगा कि बाहर की साइड हमारी अलग से सिलाई भी नहीं दिखेगी और हमें बहुत अच्छा एक स्पेस मिल जाएगा यूटिलाइज़ करने के लिए। अगर आप एक लिमिटेड कपड़ा कट करके लगाएंगे तो बाहर उसकी सिलाई भी दिखेगी और साथ में आपको लिमिटेड पॉकेट यूज़ करने मिलेगा। यहाँ पर आपको पूरा जो हमारा पॉकेट है वो यूज़ करने मिल जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी साइज़ का ही मैंने एक कपड़ा कट कर लिया है। ये मेरे पास एक मोटा पैंट पीस का वाइट कलर का कपड़ा था, उसको ही मैंने कट किया है। उसमें प्रिंट वगैरह है वो अंदर चली जाएगी। तो देखिए इस तरह से हम इसको रखेंगे और चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। तो मैंने चारों तरफ से सिलाई कर ली है इस तरह से। अब ये हमारा पॉकेट पूरा हम यूटिलाइज़ कर पाएंगे। यहाँ पे अंदर से मोबाइल आप पूरा रख पाएंगे, प्लस कैश वगैरह भी आप इसमें आराम से कैरी कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको हमें चेक करना है कि ये पीस जो हमने ज़िप लगाया है, पॉकेट लगाया है, वो वाला पीस हमारा कभी कभार थोड़ा बहुत छोटा हो जाएगा। तो आपको बैक वाले पीस से इसको मिलाते हुए बैक वाले पीस में थोड़ा सा इसकी कटिंग करनी पड़ेगी, ताकि क्या है दोनों पीस इक्वल हो जाए। अब यहाँ पे हम ऊपर की तरफ भी हमें ज़िप लगानी है। ज़िप लगाने से पहले हम बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट लगाने के लिए मैंने यहाँ पे जो बेल्ट है वो 16 इंच लंबा बेल्ट लिया है। मैंने दो कपड़े को मिलाते हुए बेल्ट को तैयार किया है, क्योंकि जो कुर्ती का कपड़ा था वो रेयन का कपड़ा था, वो काफ़ी पतला होता है, तो सिर्फ उस कपड़े से हम बेल्ट नहीं बना सकते हैं, उसकी मजबूती नहीं आएगी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने दो कपड़े को मिलाते हुए बाहर मेन फैब्रिक रखा येलो कलर का जो ये है वो, और अंदर मैंने कोई और कपड़ा डाल के उसको मैंने दोनों को साथ में फिक्स करके इसको बेल्ट बना लिया। अब ऊपर से नीचे 2 इंच की दूरी पे और सेंटर से दोनों साइड 2.5 इंच की दूरी पे हमें मार्किंग करके बेल्ट को लगाना है। यहाँ पे बेल्ट को पहले नीचे से मैंने स्टिच किया, उसके बाद पलटी करके ऊपर से स्टिच किया है, और ये कुछ इस तरह से फिनिशिंग के साथ दिखता है। अब जो ज़िप हमने ऊपर के लिए काट के रखी थी उसको स्टिच करेंगे उल्टा रख के, और फिर सीधा करके टॉप स्टिच, और वैसे ही सामने वाले पीस पे भी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद रनर डालते टाइम ध्यान क्या रखना है, देखिए ये वाला रनर ऊपर की तरफ आ रहा है ना, तो जिस दिशा में ये आ रहा है बाकी ऊपर वाला मेन रनर भी उसी दिशा में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसे ये रनर भी एक ही साइड आएगा जहाँ पे हमारा नीचे वाला रनर आ रहा है। दोनों रनर अलग अलग दिशा में नहीं जाने चाहिए, क्योंकि उसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं रहती है। अब यहाँ पे इसको तीनों साइड हमें इसको स्टिच कर लेना है। पॉकेट का तीनों साइड स्टिच करने के बाद थोड़ा बहुत जो भी खींचा हुआ आपको लगे उसको आप कट कर दीजिएगा। अब नीचे से बॉक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको पकड़ा है, और इसको बहुत ही छोटा सा 1/4 इंच का ही हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। आप 1 इंच तक भी जा सकते हैं अगर आपके पर्स की साइज़ बड़ी है तो। मेरे जितना ही अगर आप बना रहे हैं तो 1/4 इंच ही आपको इसको रखना है। एक्स्ट्रा इसको हमने कट कर लिया। अब मैंने डबल सिलाई कर ली थी, इसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड रखती हूँ, क्योंकि 10 मिनट का वीडियो भी लोग पूरा नहीं देखते हैं। तो अगर मैं पूरा आराम आराम से दिखाने बैठूंगी तो 20 से 22 मिनट का वीडियो हो जाएगा, और फिर आप बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए हमने नीचे जो बॉक्स बनाया उसकी मेन फिनिशिंग किसे कहते हैं कि नीचे सिलाई से सिलाई मिलनी चाहिए, हमारी साइड सिलाई और हमारी नीचे की सिलाई, ये दोनों आमने सामने बराबर आनी चाहिए और प्लस का एक डिज़ाइन बननी चाहिए, तभी आपका जो बॉक्स है वो अच्छा दिखेगा, एक क्लियर दिखेगा। यहाँ पे देखिए ऊपर की ज़िप भी मैंने अच्छे से इसको बराबर कर ली है, और अंदर आप देख सकते हैं स्पेस काफ़ी अच्छा है, नीचे का पॉकेट भी आप देख सकते हैं। तो आई होप आज का ये मेरा आइडिया और ये डिज़ाइन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।